नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके पास लेके आया हूँ जेट आईसीआर और बीएचयू के लिए केमिस्ट्री के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या कोई पहली बार देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो आगे क्लास की वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो जेट आईसीआर और बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी दोस्तों के पास, उन सभी फ्रेंड्स के पास हमारी इस क्लास को शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को हमारी इन क्लासों का लाभ मिल सके। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी पहली क्लास रहेगी, 15 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिएगा, पहला क्वेश्चन है आज का, वो है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है, तो ऑक्सीकरण इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो अवक्षेपण है वो क्या है? ऑक्सीकरण नहीं है, ऑक्सीकरण का उदाहरण है वो अवक्षेपण नहीं है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अवक्षेपण। ऑक्सीकरण नहीं है ये पूछा है, तो अवक्षेपण है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का अगर घोल डालते हैं तो दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, और यह कौन सी अभिक्रिया होती है? तो वो होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर क्या है? दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, और वो किस अभिक्रिया से उत्पन्न होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया से उत्पन्न होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संक्षारण है वो उपचयन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक उपचयन अभिक्रिया है, यानी सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया में क्या है? ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ता है उपचयन अभिक्रिया में। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं से युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया दो ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें क्या है, युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रियाएं दो ऐसी अभिक्रिया हैं जिनमें क्या है, युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो वह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है, तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनता है, यानी ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? कोई भी अभिक्रिया होती है उसमें भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। कोई भी अभिक्रिया है उसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे हम अभिकारक बोलते हैं, यानी सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान 7 से कम होता है। जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बना
वह कोई लवण है, उसका अगर पीएच मान हम टेस्ट करेंगे तो पीएच मान चेक करने पर हमें पीएच मान उसका 7 से कम मिलेगा, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने भी लवण का पीएच मान 7 से कम होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? क्षारक को अगर जल में घोलेंगे तो क्या मुक्त होगा? ओ एच नेगेटिव आयन उत्पन्न होगा या ओ एच नेगेटिव आयन मुक्त होगा? अगर अम्ल की मैं बात करूं, भी अम्ल को अगर जल में घोला जाता है तो एच पॉजिटिव आयन मुक्त होंगे। कौन सा आयन मुक्त होगा? एच पॉजिटिव आयन मुक्त होगा। लेकिन क्षारक को अगर जल में घोलते हैं तो ओ एच नेगेटिव आयन मुक्त होगा, यानी ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो है किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो किसी अम्ल में, यानी हाइड्रोजन, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, और वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यानी ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा। कोई भी अम्ल है उसमें एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो क्या है, धातु से अभिक्रिया करता है और क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है या उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो है वे पदार्थ जिसके स्वाद खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, या नीले लिटमस के घोल को लाल बना देते हैं, कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। यानी अम्ल क्या है? स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल बना देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। अगर लाल लिटमस पत्र है और उसे नीला कर रहा है तो वो कौन सा होगा? वो होगा क्षार। क्या कहलाएंगे? क्षार। लाल लिटमस पत्र को अगर नीला करता है तो वो क्षार कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पे नीले लिटमस पत्र को क्या कर रहा है? लाल कर रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे, और अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जल में जो घुलनशील भस्म है उसे हम क्षार बोलते हैं। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? यानी प्रबल अम्लीय है, उसका पीएच मान कितना होता है? पीएच 0 होता है। जो प्रबल अम्लीय होता है उसका पीएच मान 0 होता है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? तो प्रबल अम्लीय कौन सा हो जाएगा? पीएच 0 जिसका मान हो वो क्या होता है? प्रबल अम्लीय होता है। और पीएच 6.7 समथिंग हो तो वो क्या होता है? दुर्बल अम्लीय होता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है प्रबल अम्लीय कौन सा है, तो पीएच 0 जिसका मान होगा वो प्रबल अम्लीय होगा। सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। लिटमस रंजक होता है वो क्या है? बैंगनी रंग का होता है, जो कहाँ से निकाला जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइकेन से निकाला जाता है। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिटमस रंजक बैंगनी रंग के होते हैं जो निकाले जाते हैं, लाइकेन से निकाले जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया करवाते हैं तो कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूना है, उस पर अगर हम क्लोरीन गैस की अगर क्रिया करवाएंगे तो विरंजक चूर्ण बनेगा। कौन सा बनेगा? विरंजक चूर्ण बनेगा, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क बुझे हुए चूने पर अगर क्लोरीन गैस की क्रिया करवाई जाती है तो कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हल्दी, लिटमस पत्थर आदि किस प्रकार के पदार्थ हैं? हल्दी, लिटमस पत्थर आदि किस प्रकार के सूचक हैं? तो किस प्रकार के सूचक हैं? एक प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक है, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी, लिटमस पत्थर आदि किस प्रकार का सूचक है? तो एक प्राकृतिक सूचक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन
औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का उपचार करने के लिए एंटेसिड का उपयोग होता है, यानी ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है? तो एंटेसिड का उपयोग होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण नहीं है, या क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, भी निम्न में से कौन ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है? तो अक्षेपण है वो क्या है, ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है, या क्या है, ऑक्सीकरण नहीं है। दहन, भोजन का पचाना, श्वसन, ये क्या है, ऑक्सीकरण के उदाहरण है। लेकिन जो अक्षेपण है ये क्या है, ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है, ऑक्सीकरण नहीं है, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है, तो अक्षेपण है वो ऑक्सीकरण नहीं है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होगा? यानी कॉपर चूर्ण को वायु में अगर गर्म करते हैं तो उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जमा हो जाती है, उस परत का जो रंग होता है वो काला होता है, यानी कैसा होता है, काला हो जाता है। कॉपर चूर्ण को अगर वायु में गर्म करते हैं तो उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है और उस परत का रंग होता है वो काला होता है, यानी ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर की जो परत है वो काली रंग की हो जाएगी। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियां होती है उसका विघटन होकर या विघटित होकर कंपोस्ट बनती है, वो किस अभिक्रिया के कारण कंपोस्ट बनती है? तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कारण कंपोस्ट बनती है, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग बताना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका पीएच मान कितना होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 है, डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो लगभग कितना होता है, लगभग 14 होता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? कोई भी उदासीन विलयन है उसका पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, 7 पे न्यूटन होता है। उदासीन बोलते हैं जिसको 7 से कम यानी 6, 5, ये यहाँ पे क्या होता है, अम्ल होता है, और 7 से ऊपर यानी 8, 9, 10 इस पे क्या होता है, क्षार होता है। तो किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, यानी ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दांत का मसूरा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है? तो दांत का जो मसूरा होता है वो कौन से पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिससे क्या है, जो काफी कठोर होता है दांत का मसूरा, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो क्या है, काफी कठोर होता है, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इमली में कौन सा अम्ल है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? तो रेडोक्स अभिक्रिया बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, रेडोक्स अभिक्रिया है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? तो रेडोक्स अभिक्रिया बोला जाता है, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा नेक्स्ट ट्यूशन पे चलते हैं, साथ साथ में अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते रहें, जो जेट आई सी आर बी एच यू की तैयारी कर रहे हैं उन सभी दोस्तों के पास हमारी इन क्लासों को शेयर करें, ताकि सभी दोस्त हमसे जुड़े और क्लासों का लाभ ले सके। एक हमने इनोवेशन वाईफाई स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उस ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा। हम जो भी क्लास अपलोड करते हैं सबसे पहले उसमें डालते हैं, तो आपको देखने में आसानी हो जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या कोई पहली बार देख रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो आगे क्लास की वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिएगा 29th नंबर क्वेश्चन है, वो है दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, यानी ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करता है, यह कौन सी अभिक्रिया है। यह सभी को पता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, यानी सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या है, भोजन बनाता है। प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल से अपना क्या है, भोजन बनाता है, या जिसे हम भोजन को ग्लूकोज भी बोलते हैं, ग्लूकोज तैयार करता है। यह कौन सी अभिक्रिया के द्वारा करता है, वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा यह सब कुछ यानी भोजन अपना तैयार करता है। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, यानी जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है, समान क्रियाशील होता है, या अन्य, ये आपको बताना है। तो देखिएगा जिंक और लेड है वो कॉपर की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अंगूर का किण्वन करना एक किस प्रकार का परिवर्तन है, ये आपको बताना है। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर का किण्वन करना किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है, तो सफेद चमकदार होता है। किस प्रकार का होता है, सफेद चमकदार होता है, यानी सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम के रिबन का अगर हम दहन करवाएंगे तो सफेद प्रकृति का लौह है वो उत्सर्जित होगा, सफेद और चमकदार प्रकृति का लौह उत्पन्न होगा, यानी सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। चलिएगा डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो क्या है, एक विजातीय यौगिक है, ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक विजातीय यौगिक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है नींबू के रस का पीएच मान लगभग में बताना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। नींबू के रस का पीएच मान होता है, तो नींबू का रस का जो पीएच मान होता है वो 2.2 होता है, 2.2 होता है, 7 पे क्या होता है, न्यूटन होता है, 7 से कम होता है वो अम्ल होता है, और 7 से ज्यादा होता है वो क्या होता है, क्षार होता है। तो 2.2 नींबू के रस का पीएच मान होता है लगभग। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, 2.2। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मधुमक्खी के डंक मारने पर कौन किस प्रकार के उपचार करना लाभकारी होता है, यानी मधुमक्खी का डंक मारने पर किस प्रकार का उपचार करना लाभकारी होता है। बेकिंग सोडे से उपचार करना क्या होता है, लाभकारी होता है, यानी ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस प्रकार
पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? बेकिंग सोडे से। चलिएगा नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सकता है? तो मुंह का उपचार जो साफ करने के लिए हमें क्षारीय दंत मंजन का उपचार करना चाहिए, किसका उपयोग करना चाहिए? क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए या व्यवहार में लाना चाहिए जिससे कि हम क्या है दंत क्षय को रोक सकते हैं। मुंह को साफ करने के लिए क्षारीय दंत मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि हम दंत क्षय को रोका जा सकता है, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट है वो एक क्या है अधातु है, और विद्युत की क्या है सुचालक है, एक अपवाद है, ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि निम्न में से कौन अधातु है और जो विद्युत की क्या है सुचालक है। तो ग्रेफाइट क्या है अधातु है और विद्युत की सुचालक है, यानी ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? कौन सी धातु है जिसे हम चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु है जिसे हम क्या है चाकू से आसानी से काट सकते हैं, यानी सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, वायु के संपर्क में आने पर ये क्या है आग पकड़ लेती है, इसीलिए हम क्या है मिट्टी के तेल में इसे रखते हैं। एक क्वेश्चन ये बन के आता है भी, जो मिट्टी का तेल होता है वो क्या है ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं होती है, मिट्टी के तेल में वायु रहित होता है, यानी वायु उसमें नहीं होती, जो ऑक्सीजन मिट्टी का तेल होता है उसमें वायु नहीं होती। तो निम्न में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है, सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जस्ते के ऐसक हैं, जस्ता का ऐसक है, तो जिंक ब्लेड है वो क्या है जस्ते के ऐसक है, यानी ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। जस्ता के ऐसक है तो जस्ता का ऐसक है वो है जिंक ब्लेड, यानी ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। एलुमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? एलुमिना का अगर विद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस जमा हो जाती है, ऑक्सीजन गैस जम जाती है। एलुमिना का अगर विद्युत अपघटन कराया जाता है तो एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? ऑक्सीजन गैस जमा हो जाती है, यानी डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? तो इस्पात में 2% कार्बन होता है। कितने प्रतिशत कार्बन होता है? 2% कार्बन होता है, यानी सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? तो 2% कार्बन होता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? कौन सी ऐसी धातु है जो अधिक ताप पर भी क्या है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? तो वो धातु है वो है सोना धातु। कौन सी धातु है? सोना धातु है। सोने धातु में सबसे ज्यादा अघात वर्धनीय पाया जाता है। यहाँ पे पूछा क्या है भी, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? तो अधिक ताप जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती वो है सोना। कौन सी है? सोना, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोना धातु है वो अधिक ताप पे ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कौन सी धातु है जिसे हम जल में डालने पे क्या है तैरने लगता है? तो वो कौन सा है? कैल्शियम धातु है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम धातु है जिसे हम जल में डालेंगे तो वो जल में तैरने लग जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन जो आंसर रहेगा वो कैल्शियम, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धातु के टुकड़े से पतला तार खींचा जा सकता है, यह धातु किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? यह धातु किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तो यह तन्यता के लिए उत्तरदायी है, यानी सबसे ज्यादा जो तन्यता पाई जाती है वो सोने में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सोने में पाई जाती है। यहाँ पे पूछा क्या है इसने, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तो वो गुणधर्म है तन्यता, यानी ए ऑप्शन इसमें आपका
राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो तन्यता होती है वो सोने में होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी अधातु चमकीला है, कौन सा अधातु चमकीला है? तो जो अधातु है वो कौन सा है, ब्रोमीन अधातु है, वो क्या है, चमकीला है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, कौन सा अधातु चमकीला है? तो ब्रोमीन अधातु है वो चमकीला है, यानी डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। धातु के बर्तनों में खाना बनाया जाता है क्योंकि ये ऊष्मा के सुचालक है, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, तभी तो इसमें क्या है, इन बर्तनों में क्या है, खाना बनाया जा सकता है। तो धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो जल के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया करती है, पोटेशियम धातु है वो क्या है, जल के साथ अभिक्रिया करती है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारी इस क्लास का। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, समान होते हैं, या सभी कथन सत्य है या गलत है, ये आपको बताना है। वे आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, क्या होते हैं, उच्च होते हैं, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन जो मैंने 15 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं वो सभी के सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो आगे क्लास की वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना। जो जेट ICER और BHU की तैयारी कर रहे हैं उन सभी दोस्तों के पास हमारी इस क्लास को शेयर करना, ताकि सभी दोस्तों को हमारी इस क्लास का लाभ मिल सके। धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।